नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है इंटरनेशनल खबरी और जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया थे, हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान और अपने पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में बात तो हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले रोज वाला काम कर लो, लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबाए दो, घंटी भी बजा दो और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कॉमेंट भी करो अपने दोस्तों के साथ। यार प्रेम बांटो, वीडियो बांटो, उनको भी बताओ कि तुम्हें कितना अच्छा लगा है। तो भैया शुरू करते हैं आज का खेलम खेल। तो माजरा कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान के जो पीएम है चिचा इमरान खान बोले हैं कि फ्रांस का बहिष्कार करेंगे। भैया ये तो वही बात हो गई कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। तो भैया ऐसा है कि इमरान खान और पाकिस्तान कितने पानी में है पूरी दुनिया जानती है, बताने का जरूरत हमको तो नहीं है कम से कम। अम्मा यार उनके यहाँ खुले आम सरे आम दो महिलाओं को काट दिया गया, अब उनको जैसा ठीक लग रहा है वैसा उसका जवाब दे रहे हैं। अब भैया वो सही है गलत हम उसमें नहीं पड़ेंगे, वो आप लोग डिसाइड करो, लेकिन पाकिस्तान का उनको बॉयकॉट करना ये हमारे तो पल्ले नहीं पड़ रहा, बाउंसर जा रहा हमारे कसम से। और चलो भैया मान लेते हैं फॉर अ मोमेंट, गिव इट अ थॉट कि आपने फ्रांस का कर दिया बहिष्कार, तो भैया फ्रांस का कौन सा वजन घटने वाला है आप में और फ्रांस में। भैया 6,000 किलोमीटर का दूरी है भैया, उसके कान पे ना क्यों तक नहीं रेंगने वाली है आपके बहिष्कार से। अम्मा यार जो देश अपना इकोनॉमी बचा नहीं पा रहा है चला है फ्रांस को बॉयकॉट करने। अरे बाप रे सांस चढ़ गया मेरा। देखो भैया ऐसा नहीं है कि पास्ता और फ्रेंच परफ्यूम का जो है विरोध कर दोगे तो फ्रांस का विरोध हो जाएगा, समझे। विरोध करने में लगता है गणित, जिसमें आप लोग जो हो बहुत सालों से कमजोर हो, तभी जो है आपको कश्मीर का गणित समझ नहीं आता और हर साल जो है संयुक्त राष्ट्र पर जाके मंच पे बोलने लगते हो और फजीहत करा लेते हो पूरी दुनिया के सामने है। तो भैया उतनी ही टांगे फैलाओ जितनी लंबी चादर हो, हैं जलालत की भी हद होती है भाई यार। अच्छा ये भी नहीं सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की जनता जो है वो कह रही है चिचा इमरान से कि फ्रांस पे परमाणु हमला कर दो। अम्मा यार भैया जिस रफाइल को देख के इनके आर्मी चीफ बाजवा जी के पसीने छूट गए थे ना, फ्रांस का ही है गुरु, बहुत अंदर तक जाएगा समझ लेना। सबसे ज्यादा हंसी तो हमको तब आया जब जाकिर नाइक बोला कल कि फ्रांस को दर्दनाक सजा मिलेगा। भैया हमको तो इतना हंसी आया कि करण जौहर का एक फिल्म देखना पड़ गया ताकि इमोशन जो है वो बराबर हो सके। हमारा चिचा जाकिर नाइक तुम हो तो एक भगौड़े, 2016 में भाग गए थे इंडिया से, हाँ चले हो फ्रांस निपटने, भैया यहाँ का कार्यक्रम निपटा लो फिर भिड़ते रहना फ्रांस से, कौन रोका है तुमको हा? पता नहीं मलेशिया के कौन से बिल में बैठे हो बेटा, जिस दिन मन करेगा ना धर लाएंगे, रोक नहीं पाएगा कोई, समझे। भैया देखो एंड इस वीडियो का इतनी बात से करेंगे कि पाकिस्तान को समझाए फ्रांस के विरोध विरोध के चक्कर में ना पड़े, अपने चरखे में तेल डाले हा? और अपने यहाँ हो रहे हिंदू भाई बहनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं दिन रात उनके यहाँ पे उसका कुछ करे, ज्यादा काबिल ना बने, ज्यादा चले हैं फ्रांस का विरोध करने, अपने यहाँ के मैटर सॉल्व कर लो फिर करते रहना फ्रांस का विरोध, लेकिन तब तक। तो भैया ईसा आज का रायता केवल इतना ही, अगर लेकिन पहली बार में सब्सक्राइब नहीं किए रहे तो लाल वाली घंटी दबाओ, सब्सक्राइब करो और घंटी भी बजाओ ताकि वीडियो मिलता रहे, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। बाकी खबरें जो मैं दिखाऊं बाकी सब बिकाऊ।